यहाँ पे वो ये है कि व्हाट आर द पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इतना सारा कुछ हमने देख लिया, कंपनीज इतना पैसा लगाती हैं गवर्नेंस पे अपने, एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जो इस चीज की इंश्योरिटी के लिए होता है, तो ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल है। एक चीज जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, आजकल जितनी भी, और ये तकरीबन अब हर कंट्री में है मोस्टली दुनिया में, वो क्या है, वो ये कि दुनिया के मोस्टली कंट्रीज में जो स्टॉक एक्सचेंजेस है ना, उनके अंदर लिस्टिंग के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का होना जरूरी। यानी कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड फॉलो भी करते हो और उसको इंप्लीमेंट भी करवाते हो। उसके बाद नंबर वन, अगर आप गवर्नेंस फॉलो कर रहे हैं ये, तो याद रखें हर चीज ट्रांसपेरेंट हो, आपका कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होगा। फिर इसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप है उसको डायरेक्शन और गाइडेंस मिलेगी। फिर कहता है कि इसकी गवर्नेंस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाती है, या कोई भी लेवल, कोई भी बिजनेस फंक्शन वो बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है, या कोई भी स्टेक होल्डर ग्रुप। किस चीज पे, कि वो अलाइन कर सकें जो आपके शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है उसको, और शेयर होल्डर का इंटरेस्ट किससे अलाइन करना, सिंपल, हर स्टेक होल्डर का अपना स्टेक है, शेयर होल्डर का अपना स्टेक है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्टेक है। तो वो कहता है कि आप शेयर होल्डर का और ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना वो इंटरेस्ट वो अलाइन कर, अगर नहीं करेंगे इंटरेस्ट अलाइन तो फिर कल को कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब ये अलाइन हो जाएगा तो फिर वो पॉसिबल जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिजॉल्व, वो रेज होगा ही नहीं बल्कि या आगे उसने वही लिखा हुआ है किन किन में अलाइनमेंट हो, डिफरेंट शेयर होल्डर्स, उसमें डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। उसके बाद नेक्स्ट कहता है इसकी वजह से, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट भी बनता है और इंटरेस्ट भी बनता है। अब ट्रस्ट कैसे बनेगा, जैसे उस दिन मैंने वो आपको एक मैनेजर की स्टोरी सुनाई थी, अब उस केस के अंदर देखे ना, अब लोगों को आज ये भी डर होगा कि यार जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं पता नहीं वो पैसा सिक्योर भी रहेगा या नहीं रहेगा, चलो ऊपर कुछ ना मिले पर जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया वो तो ना डूबे कम अज कम। साथ ही साथ जो आपकी कम्युनिटी है या पब्लिक ऑफिशियल्स है उनकी नजर में भी आपका ट्रस्ट का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा।
अब वो जो कंपनी पूरी थी वो एक बंदे की वजह से डूब गई, तो यहां पे मुझे फिर ये प्रोटेक्शन है ना कि भाई कल को वो जो मेरा पैसा है वो प्रोटेक्ट है कम से कम। रीजन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के साथ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी बोर्ड पे एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद कहता कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से एक और जो चीज हुई लोगों को एक क्लियर पिक्चर मिली, क्लियर आइडिया मिला कि ये जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। साथ ही साथ वो जो बिजनेस की इंटीग्रिटी थी, जिस जो क्वेश्चनेबल थी कुछ अरसा पहले तक, वो इश्यूज भी रिजॉल्व हुए। फिर गवर्नेंस की वजह से जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है या अपॉर्चुनिटीज हैं या एक कंपनी जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही होती है या उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं जो चीज चाह रहे होते हैं वो चीज बिल्कुल वैसे होती है। नेक्स्ट, कैपिटल रेज करना बड़ा आसान हो जाता है, डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। एक और जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिट है वो है कि गवर्नेंस की वजह से जो शेयर होल्डर के शेयर की प्राइस है वो भी इंक्रीज हो रही होगी। फिर कहता है कुछ ऐसे इश्यूज जिनकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम रेज होते हैं, तो वो कहता है आप क्या करें उनसे चीज सीखें, उनको सही करने की कोशिश करें। जैसे फाइनेंशियल लॉस, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, रिस्क, करप्शन, फिर कहता है आप एक प्रॉपर गेम प्लान डिजाइन करें, लॉन्ग टर्म आपकी अप्रोच हो, ताकि लॉन्ग रन में आप सक्सेसफुल हो, लॉन्ग टर्म में जो सक्सेस है वो ज्यादा हो, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म कम फोकस हो ना आपका। अब एक और क्वेश्चन, और ये भी पास पेपर के अंदर आया हुआ है, इश्यूज क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। नंबर वन, रिनोमिनेशन एंड रिवॉर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, प्रॉब्लम ये है हमारे जैसे कंट्री में जहां पे फैमिली ओन्ड बिजनेसेस ज्यादा हो, फैमिली बेस्ड ओनरशिप स्ट्रक्चर ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, और हमारे यहाँ एक और कल्चर बड़ा ज्यादा है कि बोर्ड पे बेसिकली वो लोग आके बैठ जाते हैं जो शायद
डिजर्व नहीं करते या जिनकी परफॉर्मेंस नहीं होती, बट उनके पास कंपनी के ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स होने की वजह से वो वोटिंग में इम्पैक्ट डाल के बाकी सारा कुछ वो शेयर होल्डर बन जाते हैं, सॉरी डायरेक्टर बन जाते हैं। अब बात ये है, पहले जब तक गवर्नेंस कोड नहीं थी उस टाइम तक कई लोग खुद ही अपने आप की सैलरीज और ये सारा कुछ सेट करते रहते थे। अच्छा आगे डायरेक्टर बने, शेयर ज्यादा थे, खुद ही वोट डाला, सारा कुछ हुआ एट द एंड। अच्छा जी ये चीज है ये इतने की, जो के गलत। तो पहला मेन इशू है रिनोमिनेशन और रिवॉर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। अच्छा ये बेसिकली रिनोमिनेशन कमेटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वो डिसाइड करते हैं किस डायरेक्टर को कितना पे करना है, ज्यादा तो नहीं पे कर रहे। बहुत सारे इसमें केस हुए हैं, क्या क्या स्टोरी आपको सुनाऊं, क्या क्या सुनेंगे आप, के बहुत सारी ब्लैकमेलिंग हुई इनकी तरफ से। अच्छी भली सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस को इन्होंने फेल कर दिया। उसके बाद बट मसला ये है कि लिमिटेशन ये है कि आपको लगता हो कि शायद कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड प्रॉपरली इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकती है या हो सकती है। नंबर टू इज बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। असल में होता यह है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये कंटिन्यूअस इंटरवल के बाद मीटिंग अरेंज नहीं कर रहे होते, रेगुलरली भी अरेंज नहीं कर रहे होते। वो पाकिस्तान जैसे कंट्री में या डेवलपिंग कंट्रीज में एक सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो बोर्ड मीटिंग्स होती है ना, इनको बस कंपनी एक एज ए एनुअल प्रोग्राम लेके कंसीडर करके अरेंज करा के खाना पूरी करके, यानी कि एक बॉक्स टिकिंग एक्टिविटी है और एज ए एनुअल इवेंट के तौर पे ले लेती है, जो कि बहुत गलत है। बोर्ड की मीटिंग ना करा के पहली बार डायरेक्टर्स को अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिलफिल तो कर ही नहीं देना। अब सारी बातें मीटिंग होती, कोई उसमें इशू आता, उसके प्रॉपर मेयर सजेस्ट किए जाते, उस फेज तक तो वो बात ही नहीं गई ना। वो बात तो फिर वही है, इसका मतलब है लूप होल तो आपके सिस्टम के अंदर है, तभी तो वो इशू है कि आपका जो सिस्टम है वो बहुत पुअर है, आप इस चीज को इंश्योर ही नहीं कर पा रहे कि उस केस के अंदर जहां पे आपको रिस्क आइडेंटिफाई करके प्रॉपर मैनेज करना था आप नहीं कर पाए। क्योंकि सोल्यूशन तो तब निकलेगा जब मीटिंग होगी, प्रॉब्लम उसमें डिस्कस हो रही होगी, तो अल्टरनेटिव चीजें और बाकी सारा कुछ वो आप देख रहे होंगे। नंबर थर्ड इज कहता बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा ये हो गया रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। ये एक और ये सबसे ज्यादा की कंसर्न है। ऑडिटिंग में क्या है, ऑडिट में क्या है, बेसिकली की कंसर्न ये है कि
क्यों कराया जा रहा है ऑडिट, इस चीज की इंश्योर किया जाए, श्योरिटी दी जाए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं। अब ट्रू एंड फेयर होने से पहले जो आप इंफॉर्मेशन उस स्टेटमेंट्स के अंदर आपने इनकॉर्पोरेट किया, क्या वो रिलायबल सोर्सेस से है या नहीं है, या जो प्रिपेयर हो गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी इन्वेस्टर उससे अगर डिसीजन करना चाहता है तो वो क्या उसके लिए डिसीजन के लिए रिलायबल सोर्स है या नहीं। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एस्पेक्ट में बेसिकली मेन शेयर होल्डर्स का की कंसर्न क्या है, वो यही है कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करके ये चीज इंश्योर कर दी जाए कि भाई मैनेजमेंट की 100% अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाए ताकि कहीं पे फाइनेंशियल फेलियर ना अराइज हो जाए, तभी ये चीज सबसे ज्यादा डिबेटेबल और इशू है। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, यस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न आफ्टर देयर रिनोमिनेशन, ये वैसे रिनोमिनेशन से पहले होना चाहिए बट वो कहता है पैसा पहले बाकी काम बाद। जो कि लिखा हुआ भी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड के अंदर कि डायरेक्टर्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों। अब ये एक तरह की फिड्यूशरी ड्यूटीज हैं जो कि डायरेक्टर्स फुलफिल कर रहे होते हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। उसके बाद शेयर होल्डर्स की राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू जा रहा है इसके अंदर। देखिए पहली बात तो ये है, सबसे बड़ा मेन की कंसर्न है शेयर होल्डर्स के लिए इंफॉर्मेशन, क्यों, क्योंकि उन्होंने डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट लेना है। अब यहां पे तो वो लिंक कर रहा है ना इसको ओवरऑल गवर्नेंस के हिसाब से, तो वो कह रहा है बेसिकली कि जी वोटिंग जो है उसके ऊपर कह रहा है, वोटिंग पॉलिसी जो है ना वो बड़ी मैटर करेगी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेजोल्यूशन तो तब तक पास होगी नहीं ना जब तक मेजॉरिटी में जो शेयर होल्डर्स हैं वो वोटिंग करके कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन ना लेना। उसके बाद सेपरेशन ऑफ रोल्स ऑफ सीईओ एंड चेयरपर्सन। अच्छा चेयरपर्सन तो वो बंदा है, ये सुन ले, जो के जिसके पास कमेटी की चेयर हो, यानी कि जो कमेटी की मीटिंग होगी या ये वो उसको क्या कहते हैं वो चेयर करे या जिसकी जिम्मेदारी हो। कहता मोस्टली फिर सीईओ और चेयरपर्सन के दरमियान
डिसीजन मेकिंग कंफ्लिक्ट आता है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। और जिसके बड़े पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़े। उसके बाद सीएसआर या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। नंबर वन, ये इशू इसलिए इंपॉर्टेंट है और एग्जिस्ट करता है। नंबर वन, जब आप म्यूचुअल डिसीजन ना लें और आपके अंदर वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर योर बिजनेस स्टेक होल्डर्स, कहता है इसकी वजह से एथिकल और सोशल सर्कमस्टांसेस अराइज हो, और एथिकल की कंसर्न्स भी इसी वजह से जनरेट होंगे, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी इसकी वजह से अफेक्ट होगी। और ये मोस्टली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर सबसे ज़्यादा डिबेटेबल एरिया जा रहा है।